वहीं सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों के लागू होने पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने सरकार किसान संगठनों के बीच विवाद निपटाने के लिए जिस कमेटी का गठन किया है उस पर भी रार छिड़ गई है। किसान संगठनों का आरोप है कि कमेटी में शामिल चारों लोग पूर्व में कानूनों का समर्थन कर चुके हैं और ऐसे में अब किसान किस प्रकार कमेटी के सामने अपनी बात रखते हैं और आंदोलन किस ओर रुख करता है, इस पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। किसान आंदोलन का आज 49वां दिन है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान आज शाम को कृषि कानून की कॉपी जलाकर रोहड़ी मनाएंगे। बता दें कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कानूनों के अमल पर रोक लगाते हुए 4 सदस्यों की एक कमेटी बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसानों ने कहा कि वे किसी भी कमेटी के पास नहीं जाएंगे और अपना आंदोलन जारी रखेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित समिति के सदस्य सरकार समर्थक हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं पूर्ण रूप से कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कई सुनवाई किसानों के बारे में की। जो कमेटी बनी हुई है उसके जो मेंबर बने हुए हैं उन पे हमको एतराज है। भूपेंद्र सिंह मान जो पिछले 25 साल से मल्टीनेशनल कंपनी के पक्ष में काम करते हैं, अशोक गुलाटी जो बहुत भारत सरकार की रिकमेंडेशन किसानों के खिलाफ देते हैं, जो 3 कानून जो आए हैं इनमें भी उनकी रिकमेंडेशन है, क्या जो उन कानूनों के रिकमेंडेशन जिसने करी हो उस पे किसानों को भरोसा हो सकता है? फैसला आने से पहले हम फैसला दे रहे हैं कि वो पूर्ण रूप से कमेटी सरकार के पक्ष में फैसला देगी, 3 कानूनों के पक्ष में फैसला देगी। हमें पूर्ण रूप से उस कमेटी पे उनके आदमी पे कोई भी एतबार नहीं है। वे पूर्ण रूप से पिछले 20-25 साल से किसान विरोधी कामों में लिप्त पाए। वे खुले बाजार की व्यवस्था को चाहते हैं, वे MSP को खत्म चाहते हैं, वे बड़ी कंपनियों के पक्ष धर के लोग हैं। हमें इस तरह की कमेटी के जो लोग हैं उनकी विचारधारा क्या है वो पहले पढ़ना पड़ेगा और हमको उनका साफ पता है कि उनकी विचारधारा किसानों के पक्ष की नहीं है। 15 जनवरी को होगी बैठक। वहीं किसान नेताओं ने कहा है कि वे 15 जनवरी को सरकार के साथ होने वाली बैठक में शामिल होंगे, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा घोषित आंदोलन के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं है। आज लोहड़ी पर तीनों कानूनों को जलाने का कार्यक्रम है। 18 जनवरी को महिला किसान दिवस मनाने और 20 जनवरी को श्री गुरु गोविंद सिंह की याद में शपथ लेने और 23 जनवरी को आजाद हिंद किसान दिवस पर देश भर में राजभवन का घेराव करने का कार्यक्रम जारी रहेगा। 26 जनवरी के दिन देश भर के किसान दिल्ली पहुंचकर शांतिपूर्ण तरीके से किसान गणतंत्र परेड आयोजित करेंगे और इसके साथ साथ अडानी अंबानी के उत्पादों का बहिष्कार करने और भाजपा के समर्थक दलों पर दबाव डालने के कार्यक्रम बादस्तूर जारी रहेंगे। किसान नेताओं ने कहा है कि तीनों किसान विरोधी कानून को रद्द करवाने और MSP की कानून गारंटी हासिल करने के लिए किसानों का शांति पूर्वक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं कांग्रेस ने भी कमेटी के सदस्यों को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो चिंता जाहिर की है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन जो 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है वो चौंकाने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया और चिंता जाहिर की वो स्वागत योग्य है। सुप्रीम कोर्ट की चिंता से हम भी अपने आप को जोड़ते हैं, पर साथियों उस 4 सदस्यीय कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई उसका हमने अध्ययन करने का प्रयास किया और वो काफी चौंकाने वाला है, काफी अजीबोगरीब है, क्योंकि हमने ये पाया कि वो 4 सदस्य जो कमेटी के सदस्य हैं उन्होंने तो पहले से ही सार्वजनिक तौर से ये निर्णय कर रखा है और बात कही है कि ये तीनों काले कानून सही हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कृषि कानून पर जारी विवाद निपटाने के लिए 4 सदस्यों की कमेटी बना दी। इस कमेटी में किसान नेता भूपेंद्र सिंह मान, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक गुलाटी और महाराष्ट्र के किसान नेता अनिल धनवंत शामिल हैं। इस कमेटी को अगले 10 दिनों में अपनी पहली बैठक करनी होगी।
बैठक के 2 महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। कमेटी हर पक्ष से बात करेगी और सीधे सर्वोच्च अदालत को रिपोर्ट करेगी। लेकिन किसान नेताओं को जब कमेटी के सदस्यों पर भरोसा ही नहीं है तो बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी और समस्या का समाधान कैसे होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टुडे।